व्यापार मंडल में चुनावों को लेकर खींचतान काफी समय से चल रही है। चंद व्यापारियों का मानना है कि व्यापार मंडल ने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है और इसलिए चुनाव किए जाने चाहिए, जिसके चलते कुछ दिन पहले व्यापारियों ने प्रेस वार्ता कर अपना विरोध भी दर्ज करवाया था, जिसमें उनके द्वारा ये तर्क दिया गया था कि व्यापारियों को जिला प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए नए अध्यक्ष की आवश्यकता है, ताकि उन्हें पेश आ रही दिक्कतों का निदान हो सके। लेकिन आज सोलन व्यापार मंडल के चुनाव अधिकारी सुनील जग्गा ने कार्यकाल को लेकर स्पष्ट किया है कि व्यापार मंडल का कार्यकाल 5 वर्ष का है। व्यापार मंडल के चुनाव अधिकारी सुनील जग्गा ने व्यापार मंडल के कार्यकाल के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि जब कुछ व्यापारियों ने वर्तमान कार्यकारिणी का प्रेस वार्ता के माध्यम से विरोध किया और चुनाव दोबारा करवाने की बात कही, तो उन्होंने पदाधिकारियों से कार्यकाल के बारे में पूछा तो पदाधिकारियों ने प्रस्ताव की कॉपी उन्हें भेजी है। ये प्रस्ताव वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा नहीं बल्कि पुरानी कार्यकारिणी द्वारा बनाया गया था, जिसके कार्यकाल 5 वर्ष का अंकित किया गया है। इसलिए कायदे से व्यापार मंडल के चुनाव 5 वर्ष के बाद होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी कार्यकाल को लेकर भ्रमित है, वे एसडीएम के पास जाकर गुहार लगा सकते हैं, लेकिन जो कार्यकाल प्रस्ताव पर लिखा है, उसी आधार पर नई कार्यकारिणी ने चुनाव लड़ा था, इसलिए इस पर किसी को अब एतराज नहीं करना चाहिए। रही बात व्यापार मंडल के इलेक्शन की, ये मेरी नॉलेज में आई थी कि हल्की रिजेंटमेंट व्यापारियों में आई है। मैंने व्यापार मंडल के इलेक्टेड प्रधान को और सेक्रेटरी को फ़ोन किया था कि इलेक्शंस 5 साल के हैं या 3 साल के हैं, तो उन्होंने मुझे लेटर लिख के, मैंने चारों ने मीटिंग की है इलेक्टेड पर्सनस ने, और इन्होंने मेरे को लेटर इशू किया है कि हमारे जो इलेक्शन है, हमारा जो टाइम है वो 5 साल का है, कि जो रजिस्टर्ड व्यापार मंडल हुआ है, ये रजिस्टर्ड व्यापार मंडल है, तो उस उन्होंने रेजोल्यूशन की कॉपी भेजी है, उसके अंदर 5 साल का टेन्योर है, और इस हिसाब से, और मैंने रेजोल्यूशन देखा इनका, वो अपना जो पढ़े हैं इसके अंदर, अपना जो रेजोल्यूशन है उसके अंदर डेफिनेटली 5 ईयर है, और एसडीएम ऑफिस में ये रजिस्टर्ड है, तो इसलिए उस हिसाब से जो कि इनका जो ड्यू टाइम है वो 7/5/2022 बनता है, तो इसलिए जब तक ये, मतलब 5 साल तक ये वैलिड है, यदि कुछ व्यापारियों को प्रॉब्लम्स है, उन्होंने कुछ बोला है कि हम ये 3 साल तक या कुछ भी है, कोऑपरेटिव एक्ट बोलता है, ये बोलता है, मेरी नॉलेज में जो बातें आई, तो इस व्यापार मंडल ने रजिस्टर्ड ये नहीं कराया, पहले व्यापार मंडल ने कराया था, कोई किसी को मतलब शंका है या कुछ भी ऐसी बात है तो एसडीएम ऑफिस में जा सकता है, यदि वहाँ कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक करा दें, उसी हिसाब से सोचा जाएगा। फिलहाल जो एट प्रेजेंट जो मेरे पास, मेरी नॉलेज में है और जो मेरा मानना है और जो रेजोल्यूशन कॉपी मैंने देखी है, उसके हिसाब से 7/5/2022 तक ये व्यापार मंडल वैलिड है। इनका जब जी चाहे पहले कराना चाहे इलेक्शन, या 7/5/22 से पहले इनको इलेक्शन कराना पड़ेगा। देखिए, मेरी नॉलेज में आया है इन्होंने कि एक्ट जो 3 साल का बोलता है, कोऑपरेटिव एक्ट, मैंने एक्ट नहीं पढ़ा है, फिर भी किसी को कोई जो रजिस्टर्ड हुआ है, ये मिस्टेक यदि हुई है तो इस व्यापार मंडल ने मिस्टेक नहीं की है, ये मिस्टेक या तो एसडीएम ऑफिस से हुई है, या जो पहले रजिस्टर्ड कराने वाले जिन्होंने रजिस्टर्ड कराया है उनके थ्रू हुई है, इन्होंने इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर, इसी रजिस्ट्रेशन के ऊपर चुनाव लड़ा है, जो ये इन्होंने चुनाव लड़ा है वो 5 साल के लिए लड़ा है। यदि किसी व्यापारी भाई को कोई प्रॉब्लम है या कोई क्लैरिफिकेशन करना चाहता है, ही कैन गो इन द एसडीएम ऑफिस, तो एसडीएम ऑफिस में जाके वहाँ से अपना कॉपी देखें क्या है क्या नहीं है, ये सेटिस्फाइड एसडीएम साहब को करना है कि सर ये एक्ट में गलती हुई है, ये रेजोल्यूशन गलत डाला हुआ है, यदि वहाँ से ठीक होता है तो मेरे पास कागज जैसे आएगा तो हम इनको बुला लेंगे, जो मतलब वर्तमान प्रधान है, कि सर ऐसे ऐसे आपका टेन्योर खत्म हो गया है, तो आप इसको इलेक्शन कराओ।